हार गया पृथ्वी और जीत गई प्रीता, और प्रीता ने बचा लिया महेशसूत्रा को। और आएगा लोहरी का त्योहार, और लोहरी के त्योहार के दिन पृथ्वी जलाएगा प्रीता को। जी हाँ दोस्तों, कुंडली भाग्य के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब पृथ्वी सबके सामने महेशसूत्रा को सांप से डराते हुए ले आएगा, और पूरी पार्टी में जब महेशसूत्रा सांप से डरने की वजह से पागलों की तरह भागेगा, तभी वहाँ पर पार्टी में आए हुए MLA और ननावरे जैसे बड़े मेहमान महेशसूत्रा को पागल हालत में देखकर हिल जाएंगे। और पूरी पार्टी के बीच अचानक से महेशसूत्रा के सबके सामने भागने की वजह से करीना बुआ, राखी माँ, करण सबको काफी बड़ा शौक लगेगा। और यही सही मौके का फायदा उठाकर पृथ्वी सांप से और महेशसूत्रा से सबको बचाने का नाटक करेगा और सबके सामने साबित कर देगा कि महेशसूत्रा पूरी तरह से पागल है। लेकिन उसी वक्त प्रीता अपने पापा जैसे महेशसूत्रा को बचाने के लिए अपने असली रूप में आ जाएगी और महेशसूत्रा को संभालते हुए कहेगी, पापा मैं हूँ आपकी बेटी प्रीता, डरने की कोई बात नहीं है, हम सब आपके साथ है और आपका पूरा परिवार आपके साथ है, कोई आपको कुछ नहीं करेगा। ये सब प्रीता के मुंह से सुनकर महेशसूत्रा अचानक से अपने होश में आ जाएगा और प्रीता को कहेगा, प्रीता बेटा तुम लौट आई, मुझे पता था एक न एक दिन तुम जरूर आओगे और हम सबको बचाओगे। ये सुनकर पृथ्वी के होश उड़ जाएंगे। लेकिन इसके बाद पृथ्वी प्रीता को बर्बाद करने के लिए ननावरे एंड MLA और सारे इन्वेस्टर्स को कहेगा कि आप लोग प्लीज अपनी सेफ्टी के लिए इस लूथा इंडस्ट्री में इन्वेस्ट मत करिए, क्योंकि जिस लूथा इंडस्ट्री का मालिक पागल है तो आप उसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी कंपनी आगे जाके कितना डूबेगी। और मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करता हूँ, ठीक वैसा ही मैं आप सभी लोगों से भी बहुत प्यार करता हूँ और कभी आप लोगों का नुकसान नहीं चाहूंगा, इसलिए आप लोगों के लिए मेरी सलाह ये है कि आप लोग प्लीज इस लूथा इंडस्ट्री में इन्वेस्ट मत करिए। ये सुनकर MLA और ननावरे के होश उड़ जाएंगे। तभी प्रीता बीच में पृथ्वी को जवाब देती हुई कहेगी कि क्यों ना करे सब लोग इन्वेस्ट, बताओ एक वजह। तब पृथ्वी कुछ बोल नहीं पाएगा। लेकिन तभी प्रीता का साथ देते हुए और कोई नहीं बल्कि पूरे 2 साल बाद महेशसूत्रा ठीक होकर सबके साथ बात करेंगे, जिससे पृथ्वी सबके सामने झूठा साबित हो जाएगा और MLA और ननावरे की बड़ी हजारों करोड़ों की डील प्रीता के साथ लूथा इंडस्ट्री की फाइनल हो जाएगी और पृथ्वी हार जाएगा। इसी बड़ी वजह से पृथ्वी काफी गुस्से से पूरे परिवार के सामने पार्टी में से अपने कमरे में चला जाएगा, जहां पर गुस्से से पृथ्वी अपने आप से बात करते हुए कहेगा कि आखिरकार महेशसूत्रा ठीक कैसे हो सकता है और पूरा नॉर्मल कैसे हो गया। लेकिन खैर कोई बात नहीं, प्रीता अपनी जीत पर बहुत नाच रही है ना, तो मैं उसकी जीत को हार में बदल दूंगा। ये कहते हुए पृथ्वी प्रीता के प्रेजेंटेशन वाली फोटो अपने कमरे में जला देगा और गुस्से से अपने आप से बात करते हुए कहेगा कि जैसे मैंने प्रीता की जीत को जलाया है, वैसे ही मैं कल प्रीता को सबक सिखाऊंगा और उसे हरा दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, अगर प्रीता को जलाना पड़े तो मैं प्रीता को भी जला दूंगा। ये सब पृथ्वी लोहरी के त्योहार में प्रीता को जलाने के लिए प्लान करेगा। लेकिन वही प्रीता जब अकेली अपने कमरे में होगी, तभी करण प्रीता से मिलने के लिए आएगा और कहेगा कि प्रीता तुमने जो आज किया है वो मैं अपनी जिंदगी में नहीं भुला पाऊंगा, क्योंकि तुमने आज मेरे पापा को उनकी पुरानी प्रीता दिखा दी। यह सुनकर प्रीता को काफी बड़ा शौक लगेगा और प्रीता मन ही मन सोचेगी कि अभी के अभी वो करण को वापिस आने की असली सच्चाई बता दे और कह दे कि अभी भी मैं तुम्हारी पुरानी ही प्रीता हूँ। लेकिन प्रीता करण को अपनी सच्चाई नहीं बताएगी, और लेकिन अब प्रीता को करण को अपनी सच्चाई बता देनी चाहिए क्या नहीं, और पृथ्वी हार जाएगा और पृथ्वी की हार होगी तो आपको अच्छा लगेगा या फिर बुरा, और आप करण प्रीता को एक देखना चाहते हैं क्या नहीं, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक और सब्सक्राइब करें।